हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट जावा 1.17 का मल्टीप्लेयर सर्वर बनाना सिखाऊंगा और वो भी आप जो है टी लॉन्चर के थ्रू खेल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख कर चले जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करो दोस्तों को, ताकि वो भी एक मल्टीप्लेयर सर्वर बनाए आपके लिए, ताकि आप खेल सको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है और इसमें हम जो है जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसमें हम सर्वर बनाएंगे, हम एथेनोस पे जाके सर्वर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोकली हम सर्वर बनाएंगे और उसको हम इंटरनेट के थ्रू शेयर भी करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होने वाला है। ठीक है, कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो ये सर्वर नहीं बनेगा, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है डाउनलोड करना है, फ्री में आता है एंड ट्रस्टेड है, कोई भी यहाँ पे जो है वायरस वगैरह नहीं है। ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जावा का जो ऑफिशियल साइट है ना, ओरेकल, जो जावा को मैन्युफैक्चर करता है, जो जावा को बनाता है, वहाँ से आपको एक जावा का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किट जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों जावा ऑफिशियल का सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किट और यहाँ पे जो है लेटेस्ट में जो सेकेंड वाला आता है, नीचे से सेकेंड वाला एकदम लेटेस्ट वाला है। ठीक है, HDK 16.0.10 ये एकदम लेटेस्ट है, विंडोज 64 bin EXE, यही आपको डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको माइनक्राफ्ट ऑफिशियल का जो सर्वर है वो भी डाउनलोड करना है। तो माइनक्राफ्ट ऑफिशियल को वेबसाइट पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे सर्वर जो है लेटेस्ट वाला 1.17 ये भी हम डाउनलोड करेंगे, ये भी ऑफिशियली माइनक्राफ्ट है। ठीक है, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है NGROC। NGROC क्यों चाहिए, देखो अभी तक हमने जो जो फाइल डाउनलोड किया है उसके थ्रू हम जो है हमारा जो मशीन है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो विंडोज कंप्यूटर है उसके अंदर आप सर्वर तो बना सकते हैं, बट उसके थ्रू हमारा जो फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन है वो खेल नहीं सकते। तो उनको ऑनलाइन एक्टिव करने के लिए हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए जो है NGROC। ठीक है, NGROC पे आपको एक फ्री अकाउंट बनाना है, बस साइन अप पर क्लिक करके फ्री अकाउंट बना लीजिए, मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ करना है, तो ये NGROC सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा विंडोज़ के लिए। मैंने इसको भी डाउनलोड करके रख दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जावा 16 है, जावा HDK 16, इसके बाद सर्वर है माइनक्राफ्ट ऑफिशियल सर्वर, फिर है NGROC जो ऑफिशियल NGROC है वो। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, तो एक टेक्स्ट फाइल में आपको कुछ कोड देखने को मिलता है। ये कोड कुछ और नहीं बल्कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है ना इसमें काफ़ी सारे कोड चाहिए होता है। ठीक है, यही कोड मैंने जो है यहाँ पे एक साथ कॉपी करके रख दिया है। ठीक है, इसको आप डिसीजन से कॉपी करके रख लीजिए। ठीक है, और ये जो तीनों फाइल है इनका भी URL आपको डिसीजन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो जावा HDK है 16.0.1 इसको हमें इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर दिया, बहुत ईजी है, आपको क्लिक करना है या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ओके करके कॉम्प्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें जो जावा सर्वर है इसको हमें एक न्यू फोल्डर के अंदर डालना है, तो एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं और इसको हम रीनेम कर देते हैं। चलिए सर्वर लिख देते हैं, सर्वर और वर्जन नंबर भी डाल देते हैं 1.17, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्वर है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सर्वर कौन सा वाला फोल्डर में है। तो यहाँ पे जावा सर्वर, जावा का जो सर्वर है 1.17 माइनक्राफ्ट का, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एक बार ऑन करना है। तो जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे दो तीन फाइल बनेगा, यह है लॉग फाइल और एक है सर्वर प्रॉपर्टीज फाइल। यहाँ पे दो और फाइल चाहिए, एक तो बाय डिफॉल्ट बनता है बट 1.17 में वो नहीं बनता, वो है EULA। EULA जो है वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट होता है माइनक्राफ्ट का, वो अभी नहीं बन रहा है, वो हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक होता है दोस्तों start.bat फाइल। तो सबसे पहले हम दो टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, दो तो टेक्स्ट फाइल सिंपल, राइट क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट वाला टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एडिट करेंगे, क्या करेंगे, रीनेम करके start और जो लास्ट का जो एक्सटेंशन है टेक्स्ट उसको हटा के हम .bat करेंगे, start.bat, इसको यस करना है, एडिट करना है एक्चुअली। और यहाँ पे आपको देना है ये जो पहला वाला कोड है इसको Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको, तो ये आपका पहला फाइल हो गया। इसके बाद हमें जो दूसरा फाइल है इसको हमें रीनेम करना है, तो इसको हम नाम देंगे EULA, EULA। फिर हम इसको भी एडिट करेंगे और यहाँ पे जो सेकेंड वाला लाइन है EULA इक्वल टू ट्रू, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है, इसको भी सेव कर देना है।
ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद जो सर्वर प्रॉपर्टीज है इसको भी हमें एडिट करना है। तो सर्वर प्रॉपर्टीज तभी एडिट कीजिए अगर आपको जो आप टी लॉन्चर के थ्रू खेलने वाले हैं तो ही, ठीक है। अगर आप ऑफिशियल माइनक्राफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू खेलेंगे तो आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, बट हम टी लॉन्चर के थ्रू खेलेंगे तो यहाँ पे हमें एडिट पे जाना है, ठीक है। इसको भी एडिट पे ऑन कीजिए और इसको एकदम स्क्रॉल करके नीचे जाइए, नीचे से ना फोर्थ नंबर पे ऑनलाइन मोड ट्रू लिखा मिलेगा, ऑनलाइन मोड ट्रू। ये जो ट्रू है इसको आपको फॉल्स करना है, तभी आप टी लॉन्चर के थ्रू जो गेम है जो सर्वर है उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसको लिख देते हैं फॉल्स, FALAC फॉल्स। लिखने के बाद हमें इसको सेव करना है, ठीक है, ऑनलाइन मोड फॉल्स करना है और इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमें जो सर्वर है दोबारा से डबल क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल फोल्डर है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे तो अपना जो पहले का बना हुआ वॉल फोल्डर है वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं, वो अभी मैं नहीं कर रहा, मैं नए से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वर है वो बन गया, तो इसमें आप ज्वाइन करके खेल सकते हैं अपने लोकल एरिया में, ठीक है, लोकल एरिया में। बट ओवर द इंटरनेट आप नहीं खेल सकते, आपका फ्रेंड ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ जो है URL IP एड्रेस कुछ है नहीं। तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अभी चाहिए NG Rock, जो हमने डाउनलोड करके रखा है NG Rock, वो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अनजिप करेंगे, तो ये अनजिप हो चुका है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे NG Rock आ चुका है, इसके अंदर जाएंगे तो ये है NG Rock.exe, इसको हमें डबल क्लिक करके ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट में हमारा जो दो बाकी के दो लाइन है ना, इनको भी अभी इस्तेमाल करना है। पहला लाइन कॉपी करेंगे, थर्ड वाला NG Rock वाला कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट, फिर एंटर करेंगे। और जो दूसरा वाला लाइन है ना, लेकिन चौथा लाइन, इसको भी हम फोर्थ लाइन इसको भी कॉपी करके डाल के करेंगे पेस्ट। तो हमारा जो सर्वर है वो इंटरनेट में ऑनलाइन हो चुका है। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इसका URL क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉरवर्डिंग नाम से आपको देखने को मिलेगा, इसके एकदम राइट साइड में जो लिखा है ना, यहाँ पे आपका URL है। बस कितना बड़ा URL है देख लेते हैं। यहाँ पे जो डबल स्लैश है ना, डबल स्लैश के बाद से, ठीक है, बाद से यहाँ तक ये जो स्पेस है उसके पहले तक जो है यही आपका URL है। इसको आपको कॉपी करना है और आपका जो दोस्त है उसको देना है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे बार बार, हर बार ये ना चेंज होता रहेगा, ये जो एड्रेस है वो हर बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बार बार मशीन को रिस्टार्ट करें तो ये चेंज होता रहेगा। तो इसका जो URL है वो आपको बार बार कॉपी करके अपने जो दोस्त है उसको देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन कर सके। तो अभी मैं आ जाता हूँ टी लॉन्चर में, और टी लॉन्चर में आके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने टी लॉन्चर ओपन कर लिया है, देखिए टी लॉन्चर ओपन हो रहा है। तो ये है लेटेस्ट वर्जन 1.17, चलते हैं गेम में। तो ये आ चुका है गेम में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लेयर में क्लिक करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लेयर में क्लिक करेंगे और डायरेक्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला URL है वो डिलीट करके मैं अभी का URL दे देता हूँ और ज्वाइन सर्वर करता हूँ। तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें हमने ज्वाइन कर दिया, देखिए। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं हमारा जो मल्टीप्लेयर सर्वर है उसमें। तो आप भी जो है एक मल्टीप्लेयर सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पे जितना भी फाइल्स है उसका URL आपको मिल जाएगा, और जो मैंने कुछ कोड दिया है उसका भी जो है कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट 2% 2% लोग सब्सक्राइब करते हैं, 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा मत करो, सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।